शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैम साहब, मेरे लेप लगाने से वो बहुत जल्दी भर जाएगा। मेरे शरीर पे जो घाव है उसे शायद तुम्हारा लेप भर भी देगा, लेकिन मेरे अस्तित्व पे जो घाव लगे हैं उसको तुम कैसे भरोगे? मेरे पास इस घाव का इलाज भी है। आपका दुख कैसे दूर करना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तो मैं सबक सिखाने के लिए और इस जगह से तुम्हें रायडू साहब के पास लेके जाने के लिए। उस दिन तो तुम बच गई थी, लेकिन आज नहीं बचने वाली। रामू, मेम साहब आपने मुझे बुलाया? ये इंसान जो यहाँ पर खड़ा है इसका हाथ काट दो। Oh!
करकर मैडम ने सिर्फ हाथ काटने के लिए कहा। दोबारा कभी उनके करीब जाने की कोशिश की ना तो तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। रामू। हाँ बोलिए मैम साहब। मेरे कहने पर तुमने उसका हाथ काट दिया, क्यों किस लिए ये पूछना तुमने जरूरी नहीं समझा? आपने जो कहा वो सही होगा, इसमें न्याय होगा और धर्म होगा। इतना ही नहीं, आप कहो तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। सब्जी बहुत अच्छी बनी है, थोड़ी और दीजिए ना। ये क्या मैम साहब, आपकी आंखों में आंसू? आप हंसती है ना तो बहुत अच्छी लगती है, आप रोती है तो मुझे भी रोना आ जाता है। ये आंसू नहीं है, भगवान ने तुम्हें इतना अच्छा दिल दिया है, बस यही सोचकर ही खुशी के आंसू आ गए। मैम साहब, ये क्या? मैंने कहा सब्जी अच्छी और ये बिना दिए ही चले गए, अब मुझे ऐसे ही खाना पड़ेगा। अगर वो रामू हमारा इसी तरह हाथ पैर तोड़ता रहा तो गांव में कोई बुड्ढी भी हमको सलाम नहीं करेगी। अगर आप इस तरह खामोश बैठे रहेंगे तो हमको तो चूड़ियां पहनकर घर में बैठना पड़ेगा सर। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? इस तरह से मुंह छिपाकर क्यों बैठे हो? कब कैसे क्या करना है मुझे अच्छी तरह पता है, मुझे मत समझाओ, कुत्ते की तरह खामोश रहो। नमस्ते रामू जी। नमस्ते। नमस्ते बेटा, जीते रहो। हे भगवान, ये सबको क्या हो गया है? नमस्ते। सब मुझे नमस्ते क्यों कर रहे हैं? मेम साहब, मेम साहब। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। मेम साहब, क्यों इतना चला रहे हो रामू? मेम साहब मैं क्या करूं, मुझे गांव वालों से बहुत डर लग रहा है। अब क्या हुआ? अब क्या बताऊं क्या हुआ है, गांव वाले मेरे पीछे पड़े हुए। लेकिन गांव वालों ने किया क्या? अब मैं आपको क्या क्या बताऊं, जब मैं यहाँ पर आ रहा था ना तो एक औरत मेरे सामने आई और मुझे नमस्ते करने लगी। दूसरी औरत आकर के मेरी आरती उतारने लगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और तो और एक आदमी ने आकर मुझे ये माला पहना दी, मेरी तो जान ही निकली जा रही है। तुम्हें पता है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं पता। क्योंकि तुमने उस राक्षस का हाथ तोड़ा। उनके अंदर जो उसका डर बैठा था उसे तुमने मिटा दिया। वो लोग अब तक अन्याय सह रहे थे, तुम्हारे रूप में उन सबको भगवान नजर आता है, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। क्या सच में? यकीन नहीं होता। इतना ही नहीं रामू, तुम्हें और बहुत कुछ करना है, मैं सच कह रही हूँ। और क्या करना है? तुम्हारे पास ताकत है, मेरे पास दिमाग है, अगर हम दोनों मिल जाए तो इस गांव का भला हो सकता है, पहले गांव का भला फिर देश का भला। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैसे समझ में आएगा, तुम्हारे पास दिमाग जो नहीं है, यहाँ पर भूसा भरा हुआ है। अरे मैम साहब, आपने बालों में ठीक से धुआं नहीं लिया है, उनमें गुच्छे पड़ जाएंगे, मेरी बात सुने। बहुत कठिन है डगर पन घटे की, झटपट भर लाओ। ए बुढ़िया, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मेम साहब ऑफिस का काम घर पे नहीं करती, आपको पता नहीं है क्या? इतनी जोर से बात क्यों कर रहे हो, और कौन हो तुम? आप मुझे नहीं जानती, एक अच्छा इंसान। एक अच्छा इंसान। बहरी। मेम साहब, मैं थोड़ी देर के लिए घर के बाहर क्या गया, कोई भी घर पे आके बैठ जाता है, बाहर बुढ़िया कौन बैठी है? कौन बुढ़िया? अरे वही जो बाहर बैठी है। ए धीरे बोलो, तुम्हें पता है वो कौन है? कौन है, कौन है? वो औरत मेरी माँ है। मतलब मेम साहब की माँ जी? मेम साहब की माँ जी, नमस्कार माँ जी। यहाँ नहीं, बाहर जाकर करो। जाता हूँ। अरे मैंने आपको देखा तभी समझ गया था कि आप मेम साहब की माँ ही हो सकती हैं। आहा, आपकी आंखों की ये कांति, आपके चेहरे का ये तेज, और भला किसका हो सकता है। आहा, आप बैठिए ना। आपके बारे में और क्या कहूँ, आपको देखकर आपके चरणों में गिरने का मन करता है। ये क्या कर रहे हो, खड़े हो जाओ। नहीं, पड़े रहने दीजिए। उठ जाओ ना बेटा। नहीं, पड़े रहने दीजिए। बेटी से समझाओ ना। रामू बहुत हुआ, आप खड़े हो जाओ। ज्यादा हो गया क्या? अरे बेटी, इतना शरीफ सीधा साधा ये लड़का कौन है? ये बहुत ही अच्छा लड़का है माँ, और ये अब मेरे साथ ही रहता है। और हाँ माँ जी, आप जो भी कहेंगी ना मैं वो कर दूंगा। अरे बेटा, बस स्टेशन पर दो ट्रंक पेटी, एक बैग है, एक थैला है, और कुछ छोटी मोटी चीजें भी हैं, वो तुम बस स्टैंड पर जाकर लेकर आ सकते हो।
दो पेटी, एक बैग और एक थैला। बेटी, मैं तो तुमसे हमेशा मिलने नहीं आ सकती, लेकिन इतना अच्छा आदमी तुम्हारे साथ रहता है ये देखकर खुशी हो रही है। शहर वाली मैम साहब आप? या क्या, आप भी ना, शहर वाला होता तो मर गया होता, गांव वाला हूँ इसलिए अभी तक बचा हुआ हूँ। आपके साथ ये सब लोग कौन है? ये मेरे रक्षक और सैनिक है। ये लोग सैनिक है? हाँ। आपका प्रेम भी अजीब है, पहले बुढ़ियों को भिजवाया और अब इन बच्चों को लेकर आ गए, कमाल की है आप भी। उस दिन मेरा भाई आया ये कहकर तो तुम बच निकले थे, लेकिन आज नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। अरे नहीं छोड़ दीजिए, अरे मुझे जरूरी काम से जाना है। आज तो नहीं जाने दूंगी, उस दिन जो काम अधूरा रह गया था उसे पूरा करना पड़ेगा। आज ही करना पड़ेगा, नहीं कर पाऊंगा। फिर कब करोगे? आपके जन्मदिन पर। वो तो अगले महीने है, तो फिर ठीक है, जब रात को मेरे घर आओगे तो जो मांगूंगी उसे देना पड़ेगा। हाँ दे दूंगा। सच में? अरे रामू, ये मंगलसूत्र किसका है? मेरा है। तुम्हारा? हाँ माँ जी, जब मैंने होश संभाला था ना तो अपनी कमर में बंधा हुआ देखा था। क्या? लेकिन अब मुझे ये लगता है कि जरूरत पड़ने पर ये काम आएगा। मेरी तो दो ही जान है, एक मेरे शरीर में और दूसरी उसमें। मेरा अपना कहने को कोई नहीं है ना, इसीलिए उसे अपना समझता हूँ। पता है माँ जी, वो सोने का है, मेम साहब की शादी में काम आएगा, इसलिए बचा के रखा है। हाँ। नाला नहीं खोद करके सरकार के साथ धोखा किया गया है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया जाता है, और सरकार ये कॉन्ट्रैक्ट किसी को भी दे सकती है। सरकार ने राइडू को जो भी पैसे दिए हैं, वो पैसा राइडू और उनके साथियों ने सरकार को नहीं लौटाया तो उनको 10 साल की सजा हो सकती है, और बड़े साहब की मंजूरी से ये कॉन्ट्रैक्ट मिला था, पैसा नहीं लौटाने पर उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। अब क्या करने का इरादा है? अभी मुझे कुछ भी नहीं पता, इस मुश्किल से आप ही छुटकारा दिला सकती हैं। तुम जाकर चेकबुक लेकर आओ। ऑफिसर मैडम, ऑफिसर मैडम, ऑफिसर मैडम। मेम साहब आप इलेक्शन में खड़ी हुई हैं क्या? ऑफिसर मैडम, ऑफिसर मैडम, ऑफिसर मैडम, ऑफिसर मैडम, ऑफिसर मैडम, ऑफिसर मैडम। रुक जाइए, आप लोग ये नारा क्यों लगा रहे हैं? आपके अच्छे कामों के लिए। मैंने ऐसा क्या किया है? मेरी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। भगवान ने आपको हमारे कष्ट दूर करने के लिए ही भेजा है। हम सोचते थे कि हमारे गांव का भला होगा। अरे बेटी, तुमने एक लड़की होकर इतना अच्छा काम किया है, इसलिए मैं तुम्हें हार पहनाना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगेगा बेटी। मुझे हार मत पहनाइए, हम सबको एक दूसरे का साथ देना है, और गांव का भला करने के लिए हम सबको मेहनत करनी है। हम सबको मिलकर इस गांव का भला करना है। मुझे आप सबका साथ चाहिए। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मुझे अपनाया और सम्मान दिया, इसलिए मैं हाथ जोड़ के आपका धन्यवाद करती हूँ। चलो सुनो, चलो चलो, ये किसके लिए लाया था? आपके लिए। मेम साहब जिंदाबाद, मेम साहब जिंदाबाद, मेम साहब। उसने जो हमारा अपमान किया है उसकी वजह से हम सर उठाकर नहीं चल पा रहे हैं। अगर उसने हमारे पोल खोल दिए ना तो कहीं भागने की जगह नहीं मिलेगी, आत्महत्या करनी पड़ेगी। अब बहुत हो गया, गांव में या तो हम लोग रहेंगे या तो वो रहेगी। औरत है, सोच कर उसको छोड़ दिया था, लेकिन वो हमारे गांव में घुसती ही जा रही है। हवाएं भी मुझसे इजाजत लेकर मेरी तरफ रुक करती हैं। अब तुम लोग देखते जाओ मैं उसको कैसे रोकता हूँ। ये सब क्या है? जितनी जल्दी है जगह खाली करके जा सकती हो चली जाओ यहाँ से। ये जमीन बड़े साहब की नहीं सरकार की है, हम क्यों खाली करें? हमारे साहब ने जमीन को खरीद लिया है, ये लो पेपर। अगर आज के आज ही शराफत से जमीन को खाली नहीं किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, याद रखना। चलो रे।
हुआ मेम साहब? ये सब क्या है और ये लोग क्यों आए थे? बड़े साहब ने ये जमीन खाली करने के लिए इन गुंडों को भेजा था। कौन बड़ा और किसका बड़ा? जब उन्होंने पहली बार घर खाली करवाया था, अगर तभी उन्हें जवाब दे दिया होता तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। जिस दिन उन्होंने कंधे पे हाथ रखा था, अगर उसी दिन हमने उनका हाथ काट दिया होता तो वो बलात्कार की कोशिश नहीं करता। अगर उसकी हर हरकत पर हमने उसी समय उसे मुंह तोड़ जवाब दे दिया होता तो आज हमारे खाने की हालत नहीं होती। मैं उसे जान से मार दूंगा। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, अपने सगे बाप को मारने जा रहे हो? हाँ बेटा, वो मंगलसूत्र देखकर ही मैं समझ गई थी कि तुम बड़े साहब के बेटे हो। मतलब वो नीच मेरा बाप है? नहीं बेटा, तुम्हारे पिता नीच इंसान नहीं है, देवता इंसान है। तुम्हारी माँ लक्ष्मी देवी हमारे गांव के जमींदार की इकलौती बेटी थी। मैं उनके घर पे काम करती थी। वो कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। मुझे अच्छी तरह से याद है वो दिन। पहली नजर में तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ को पसंद कर लिया। एक दूसरे की आंखों में देखा और प्यार हो गया। दिल ही नहीं, उनके शरीर भी मिल गए और तुम्हारी माँ गर्भवती हो गई। तुम्हारी माँ ने यह तय किया कि वो ये सारी बातें बता देगी, इसलिए वो रंगनाथ जी को ये बातें बताने के लिए उनके घर गई। तब हमने देखा कि तुम्हारे पिताजी अपने पिताजी की जान बचाने के लिए किसी दूसरी औरत के गले में मंगलसूत्र बांध रहे थे और तुम्हारे पिताजी की इज्जत बचाने के लिए तुम्हारी माँ वापस आ गई। तुम्हारी माँ ना अपने घर जा सकती थी और ना ही आत्महत्या कर सकती थी, क्योंकि तुम उसके पेट में थे। कितनी तकलीफें सहने के बाद उसने तुम्हें जन्म दिया। तुम्हारी माँ का दुख मुझसे देखा नहीं गया और मैंने तुम्हारे पिताजी को जाकर सारी हकीकत बता दी। तुम्हारी माँ के बारे में जानकर तुम्हारे पिताजी बहुत खुश हुए। तुम्हारी माँ के साथ उन्होंने जो गलती की थी उसका पश्चाताप करना चाहते थे, इसलिए गांव के बाहर शिव मंदिर में तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी माँ के साथ शादी कर ली। रायडू को ये शादी पसंद नहीं थी। वो खुश होने का नाटक करते हुए तुम्हारी माँ को दूध में जहर मिलाकर पिला दिया और तुम्हारे पिताजी को बड़े प्यार से वहाँ से लेकर चला गया। और तुम्हारी माँ ने मरते समय कहा कि ये मेरा मंगलसूत्र मेरे बेटे की कमर में बांध देना, ताकि मेरे बेटे को दुनिया पाप की निशानी न समझे। तुम अपनी माँ के चिता पर रो रहे थे और वो रायडू तुम्हें मारना चाहता था और मैं तुम्हें वहाँ से लेकर किसी तरह भागी। बस मैं तुम्हें किसी भी हालत में बचाना चाहती थी और तुम्हें बचाने के लिए मैं पानी में कूद गई। उसके बाद मैं बेहोश हो गई। फिर क्या हुआ मुझे पता नहीं। तुम्हारे बैग में मंगलसूत्र देखकर मैं समझ गई कि तुम रंगनाथ और लक्ष्मी के बेटे हो, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई। पता है मैंने क्यों नहीं बताई? क्योंकि जानती थी रायडू कितना खतरनाक इंसान है। उसकी शैतानी मैंने अपनी आँखों से देखी है, इसलिए नहीं बताया। रामू, जब मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानती थी तब भी मैंने तुम्हें सहारा दिया, और आज जब पता चला कि तुम रंगनाथ जी के बेटे हो तो मुझे और खुशी हो रही है। और जैसा कि माँ ने बताया, तुम्हारी जान को अब और ज्यादा खतरा हो सकता है। मेरी बात मानो, जब तक सही समय नहीं आ जाता तब तक तुम चुप रहो। अरे बाप रे, इतनी खूबसूरत औरत को ये कालूराम ने कैसे छोड़ दिया? मुझे हाथ लगा रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने ऐसी हरकत जानबूझकर नहीं की। मैं तो आपको यह एहसास दिलाना चाहता हूँ कि आपका पति जब दूसरी औरतों के साथ ऐसा करता है तो उससे उनको कितनी तकलीफ होती होगी। मुझे माफ कर दो। क्या मेरे पति इतने गिर गए हैं? अरे इससे ज्यादा गिर गए हैं मालकिन। टेस्ट टेस्ट बोल के कितने औरतों को गर्भवती बना दिया है उन्होंने, और जो लोग उनके पास अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं तो उनमें से कितनों को गलत दवा देकर उनको मार डाला है। और मैंने कहा कि ये सब मैं आपकी पत्नी को बता दूंगा तो बोलते हैं जाओ जाकर बता दो, वो कितनी पवित्र है मुझे पता है, मैं उसे भी मार डालूंगा। उन्हें कैसे सबक सिखाना है मुझे पता है। उन्होंने सावित्री का प्यार देखा है लेकिन उसका कहर नहीं देखा। आज मैं बताऊंगी मैं क्या कर सकती हूं। उनकी मौत मेरे हाथों लिखी है। Yeah.
सक्सेस। अब मजा आएगा, ये तो मेरी चम्मक चलो बनेगी। तेरी मेम साहब को घर खाली करने के लिए बोला तो उसने हम सबको ही दुनिया से खाली करने के लिए भेजा है क्या? कुछ बोलता क्यों नहीं? वो इस तरह से अपनी जुबान नहीं खोलेगा। चार लगाओगे तो अपने आप सब बक देगा। रुक जाओ। इस लड़के को क्यों मार रहे हो तुम लोग? चोरी करने वाले को ऐसे छोड़ देंगे तो ये अच्छा नहीं होगा जीजा जी। सबक तो सिखाना ही पड़ेगा ना। नहीं नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। अगर तू चोर नहीं है तो एक जमींदार के घर पर एक आवारा लड़का इतनी रात को क्या करने आया है? अरे देख क्या रहे हो, इसके मुंह से सच उगलवाओ। मैंने उसे यहाँ बुलाया है, आज मेरा जन्मदिन है इसलिए मैंने उसे यहाँ बुलाया था। बेटी तुम ये क्या बोल रही हो, सच या झूठ? बेटी ने बोल दिया ना, अब इस लड़के को यहां से जाने दो। चोट कैसे लगी? तुम कहां गए थे? मुझे पता है। मैं अनाथ नहीं हूं, मेरे भी पिता हैं। उन्हें देखना चाहता था, सिर्फ एक बार देखना चाहता था अपने पिता को, और देखा भी, लेकिन उन लोगों ने मुझे चोर समझकर बहुत मारा। बैठ जाओ। रामू, हम सबको अपने पिता से पहले अपनी माँ मिलती है, इसीलिए माँ को देवी का रूप कहते हैं। और तुम्हारे पास माँ नहीं है, ये तुम्हारी बदनसीबी है। गांव वाले जिसे भगवान मानते हैं वो एक अनाथ है, वो इस बात को कैसे मानेंगे? क्या सबूत दोगे उन्हें? कैसे साबित करोगे? बड़े साहब के घर पर जाकर अगर तुम सबसे ये बात कहोगे तो कौन तुम्हारा विश्वास करेगा? यही बात सोचकर तो हमने तुम्हें मना किया था। तुम्हारी जान की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है, और सबसे ज्यादा मेरी जिम्मेदारी है। सब कुछ समझ गए ना? उसके कुर्सी पर बैठते ही उसके सर पर जोर से मारना, सर फटना चाहिए, समझ गए ना? लगता है वो लोग आ गए। अरे आओ ना। मुझे शर्म आ रही है। अरे क्यों शर्म आ रहा है? अरे छोड़ो, चलिए आइए। अरे आइए। कैसे हैं आप? क्या हुआ जी? कुछ नहीं हुआ, मुझे शौक लगा था। आप बैठिए, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ।
क्या हो गया? क्यों मारा तूने? देखिए आप नाराज मत होइए, ये सारा इंतजाम मैंने किया है। जब आपके पिताजी मर रहे थे उस वक्त इसने उनको एक घूंट पानी तक नहीं दिया। पानी? और इसने पानी। उनके सारे गहने और पैसे कहीं छुपा के रख दिए हैं, हमारे बीच गलतफहमी पैदा की। इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। पानी? अरे रे 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 रे। तुझे प्यास लगी है ना? अगर मैं तुझे पानी पिला दूंगा तो बच जाएगा ना? बच जाऊंगा। और अगर नहीं दिया तो मर जाऊंगा। तो ठीक है, मेरे पिताजी का खजाना तूने कहाँ छुपा के रखा है बता दे, मैं तुझे पानी दे दूंगा। आपके घर के पिछवाड़े बोरिंग के पास गाड़ा है। अब तू मर जा। सावित्री, आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। डॉक्टर साहब, आप मुझे अपने पाँव में कुत्ते की तरह रख लीजिए, लेकिन मुझे एक और मौका दीजिए। पानी, पानी दीजिए, पानी। आकर नारायण 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 नारायण। मैं बच गया। मेरी जान, मेरी सोना, मेरी प्यारी। गंदी नजरों से मत देख, उधर मुकर। मेरी प्यारी। सुनो, मैं अगर सही पहचान रहा हूँ तो हाँ, बड़े मालिक, तुमसे मिलूंगा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था ये कैसा आश्चर्य हो गया। मैं बहुत खुश हूँ आज। सुनो सुनो, मेरा बेटा कहाँ है? वो तो तुम्हारे साथ ही था ना? कहाँ है मेरा बेटा? मैं उसके बारे में नहीं जानती। मैं सालों से आज ही के दिन इस मंदिर में आता रहा हूँ, क्योंकि आज ही के दिन मैंने अपनी बीवी और बच्चे को सालों पहले यहीं पे खो दिया था। इस आशा के साथ आज नहीं तो कल वो लोग मुझे जरूर मिलेंगे। और देखो, भगवान ने इतने सालों बाद आज मेरी सुन ली। मुझे पता है मेरा बेटा भी मुझे जरूर मिलेगा। बताओ, मुझे बताओ मेरा बेटा कहाँ है? कहाँ है मेरा बेटा? बता दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। मुझे बता दो, बता दो, बता दो मेरा बेटा कहाँ है? ये आप क्या कर रहे हैं बड़े मालिक? ऐसा मत कीजिए, आपका बेटा यही है। हाँ बड़े साहब, जो मेरी बेटी के घर पे रहता है वही आपका बेटा है। वो रामू जिसको सभी अनाथ कहते हैं? हाँ बड़े साहब। नहीं, वो अनाथ नहीं है, मेरा बेटा है, मेरी जान है, मेरा सब कुछ है। क्या बात है छोटी बहन, आजकल मैं देख रहा हूँ जीजा जी की पूरी तरह से चाल ढाल ही बदलती जा रही है, क्या बात हो सकती है? अरे हमेशा एक जैसी शक्ल बनाकर रहते हैं तो भगवान ने सलाह दी होगी कि जरा हंस के जियो। क्या रे रायडू? हाँ जी, आज तक तुम लोगों ने मुझे इतना खुश कभी नहीं देखा ना। मैं भी सोचता था कि इस दुनिया में अकेला हूं, लेकिन आज मैं अकेला नहीं, मुझे सब कुछ मिल गया है। मैंने पता लगा लिया है, मेरा खून, मेरा असली वारिस यहीं इसी गांव में रहता है। उसे लाकर अपनी सारी जमींदारी उसे सौंप कर मैं मुक्त होना चाहता हूं। लेकिन वो कौन है जीजा जी? वो हमेशा हमारी आंखों के सामने घूमता रहता था, रामू। नमस्कार मालिक। नमस्ते मालिक। बेटा रुको, बेटा सगा बेटा आंखों के सामने घूमता रहा,
और मैं नादान अपने खून को भी नहीं पहचान सका। हाँ बेटा, मुझे सब कुछ पता चल गया, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे सगे बेटे हो। मैं सच कह रहा हूँ बेटा, सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो। पिताजी, बेटा एक बार और पिताजी कहकर बुलाओ। पिताजी, आओ बेटा, यह तुम्हारा ही घर है। अरे भांजे को खाना परोसो छोटी बहन। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में यह खुशी वापस आएगी। खुशी के मारे मुझे भूख नहीं लग रही है। मेरा भी यही हाल है, हमारा बेटा हमें वापस मिल गया। इस खुशी में अपने हाथों से ही खाना बनाया है, तुम्हें तो भूख लगी होगी ना बेटा, खाओ ना। रामू, अरे मेम साहब आप आइए ना। तुम मुझे बिना बताए यहाँ आ गए? मैं तुमसे ये पूछने नहीं आई हूँ, इतने सालों बाद तुम्हें तुम्हारा परिवार मिला है और मैं यहाँ पर वो खुशी खराब करने नहीं आई हूँ, और ना ही तुम्हारे साथ यहाँ पर खाना खाने आई हूँ। मैं तो उम्मीद भी नहीं करती कि तुम मुझे अंदर बुलाओगे। एक बार पैसे वाला बनने के बाद अन्नदाता सुखी भावा कहने वाला रामू, जो पहला निवाला मुझे खिलाता था, अब बदल चुका है। बड़े घर में रहने के बाद, महंगे कपड़े पहनने के बाद, परिवार का प्यार मिलने के बाद, हमारा रामू अब हमारा नहीं रहा, वो तो अब बड़े साहब का बेटा हो गया है। सच में भूल गया था मैम साहब, लेकिन अभी तक मैंने खाना खाया नहीं है। अन्नदाता सुखी भाव, लीजिए पिताजी। नहीं नहीं, इनको बीपी है ना, तो ये खाना नहीं खा सकते हैं बेटा। ठीक है तो आप खा लीजिए छोटी माँ। आज छोटी बहन का व्रत है। हाँ बेटा, व्रत की वजह से नहीं खा सकती। अच्छा तो ठीक है, तो फिर मुझे खिला दो, खिलाओ ना। ये निवाला कोई नहीं खाएगा, जानते हो क्यों? क्योंकि इसमें जहर मिला हुआ है। जिसने इनको जहर दिया उसी आचार्य ने मुझे बताया, इसीलिए मैं यहाँ पर चली आई हूँ। तुम्हें तुम्हारे अपनों से दूर करने के लिए नहीं, लेकिन तुम्हारी जान बचाना मेरे लिए ज्यादा जरूरी था रामू, इसीलिए मैं यहाँ पर चली आई। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, लेकिन आप मेरे पिताजी, आपके कहने पर मैं यहाँ आया। मैं अपने आप तो यहाँ पर नहीं आया था, माँ बाप का प्यार मुझे कभी नसीब नहीं हुआ। मेरे अपने यहाँ पर, इसलिए मैं कितना खुश होकर यहाँ पर आया था, पर यहाँ आकर पता चला कि यहाँ पर इंसान नहीं रहते, यहाँ पर तो सबके सब कातिल रहते हैं, पैसों के लिए अपनों का खून करने वाले रहते हैं। अनाथों की तरह जीने वाला मैं, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए आपकी दौलत बेटा, नहीं चाहिए बेटा। मैं अनाथ की तरह जिया हूँ और आगे भी अनाथ की तरह जीऊंगा बेटा। नहीं, मुझे बेटा मत कहिए, अमीरों के घर में प्यार नहीं मिलता, ये मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं अनाथ हूँ, मैं अनाथ हूँ। राक्षस नहीं, झूठा प्यार दिखाकर मेरे बेटे को मारना चाहती थी तुम। मुझे यह सजा मिलनी ही चाहिए थी, लेकिन अब और देर नहीं, कल ही पूरे गांव को बुलाकर सब लोगों के सामने बोल दूंगा कि रामू ही मेरा बेटा और इस सारी जायदाद का असली वारिस है। जिस जायदाद को पाने के लिए तुम लोग उसे मारना चाहते थे, अब उसकी एक फूटी कौड़ी तुम लोगों को नहीं मिलेगी। मेन साहब, मैं अपनी थैली ले जाऊं। क्या हुआ? मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे छोड़कर, ये गांव छोड़कर। जब तुम अनाथ हो
तब तो पूरा गांव तुम्हारा था। आज जब पता चला है कि ये गांव तुम्हारा अपना है तो इसे छोड़कर जा रहे हो? इस गांव में गंदी राजनीति, यहाँ के लोग दौलत के लिए अपनों को मारने को तैयार हैं। तुम्हारा अपना एक भरा पूरा खानदान है, उसका एक इतिहास है। ऐसा मत कहिए मेम साहब, मत कहिए। मुझे ये सारी धन दौलत नहीं चाहिए। यहाँ का जमींदार बनकर मुझे नहीं जीना है। जहाँ पर दौलत होती है मेम साहब, वहाँ पर प्यार नहीं होता। आपको बिना बताए पिताजी से मिलने चला गया। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी मेम साहब, सबसे बड़ी गलती। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो शायद मैं भी यही करती। तुम्हारे पिताजी की ये गलती थी कि उन्होंने तुम्हारी माँ की मांग में सिंदूर भरने से पहले ही उन्हें गर्भवती कर दिया था। तुम्हारी माँ तुम्हारे पिता का नाम तुम्हें बताने से पहले ही चली गई, और तुम बड़े साहब के बेटे हो, ये विधि ने बताने नहीं दिया। ये विधि की गलती थी। जिसको पता चलना चाहिए उसको पता चलने ना दिया, ये उस भगवान की गलती है। इन सब गलतियों के बीच में तुम अपने पिता को बीच मझधार में छोड़कर जा रहे हो, और वो सबसे बड़ी गलती तुम कर रहे हो। आज जो तुम्हें मारने की कोशिश की गई, उसमें तुम्हारे पिता की कोई गलती नहीं है। उसका जिम्मेदार है रायडू, वही सारी परेशानी की जड़ है। जब उसे पता चला कि तुम बड़े साहब के बेटे हो, तो उसने तुम्हें मारने की कोशिश की। और अब तुम्हें क्या लगता है कि वो सब लोग तुम्हारे पिताजी को आसानी से छोड़ देंगे? तुम जानते हो वो ये सब क्यों कर रहे हैं? दौलत और जायदाद के लिए। और तुम अपने पिता को ऐसे अकेला छोड़कर चले जाओगे, वो भी ऐसे मौके पर जब उन्हें तुम्हारी जरूरत है? तुम अपना मुंह छुपाकर इस गांव को छोड़कर जाना चाहते हो? उन राक्षसों से तुम्हारे पिता को बचाना तुम्हारा पहला कर्तव्य है। पूरे गांव वालों के सामने तुम उनके बेटे हो, ये उन्हें कहना चाहिए। वो तुम जैसे बेटे के पिता हैं, उन्हें गर्व होना चाहिए। तुम्हें तुम्हारे पिता को सम्मान दिलाकर उनकी रक्षा करके अपना कर्तव्य पूरा करना होगा। ये तुम्हारे लिए गर्व की बात है। उनकी जायदाद की रक्षा करके एक अच्छे बेटे का फर्ज निभाओगे तो ये मेरे लिए भी एक गर्व की बात होगी। क्या तुम अपनी मेम साहब से इस बात का वादा कर सकते हो? फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। जी की बातों से लग रहा है कि वो पूरे गांव वालों के सामने उस रामू को ही अपना बेटा घोषित कर देंगे, फिर ये सारी जायदाद उसकी हो जाएगी। मुझे पूरी जिंदगी उनसे किसी भी तरह की कोई भी खुशी नहीं मिली। उनसे मुझे यही उम्मीद थी कि उनकी पूरी जायदाद मेरी हो जाने के बाद मैं उस पर राज करूंगी। मैं ये दौलत पाने के लिए अपना मंगलसूत्र भी निकाल सकती हूँ। उनकी मौत ही हमारे लिए जश्न है। शाबाश बहन, शाबाश। हमारे जीजा जी हजारों साल तक जिए, मैं बिल्कुल ऐसा ही चाहता था। लेकिन जब खुद ही अपना मंगलसूत्र उतारना चाहती हो तो कल जीजा जी का आखिरी दिन होगा। पिताजी और बुआ ने पुराने बंगले में तुम्हारे पिताजी को मारने का प्लान बनाया है। मेरे पिताजी तुम्हारे पिताजी को लेकर उसी बंगले में गए हैं। जाओ रामू, शायद तुम्हारे पिताजी की जान को खतरा है। जल्दी जाओ। तुम गांव वालों के सामने कहो कि रामू तुम्हारा बेटा है, उससे पहले ही तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। साइन करो, साइन करो, इधर साइन करो। साइन करो, साइन करो, इधर। No!
बड़े साहब की पत्नी, उनके साले, उनका बेटा और उनके साथियों को मारने के जुर्म में हम रामू को अरेस्ट करते हैं। अगर इसकी गिरफ्तारी नहीं चाहते तो आप में से जो कोई इसका अपना हो वो इसकी जमानत दे दे और इस जमानत पेपर पर साइन करें। रामू हमारे लिए देवता समान है, हम अपनी जान देकर भी रामू को बचाएंगे। लेकिन आप लोग साइन बिल्कुल नहीं कर सकते, कोई सगा रिश्ता होना चाहिए, यानी कि माँ बाप या पत्नी। क्या आप लोगों में से कोई है? हाँ है। पिताजी मुझे एक वचन दीजिए। बोलो बेटा, जब मैं दुनिया वालों को इतना कुछ दे सकता हूँ तो तुम तो मेरे बेटे हो। मुझसे पहली बार तुमने कुछ कहा है तो मैं भला क्यों नहीं पूरा करूंगा। जो मांगोगे वो दूंगा, मैं वचन देता हूं। सच है, लेकिन कभी दुनिया के सामने आप इस सच्चाई को नहीं बोलेंगे कि मैं आपका बेटा हूं। बेटा? हाँ पिताजी, मेरी मां ने मरते समय तक कभी किसी को नहीं बताया कि मैं आपका बेटा हूं, क्योंकि अगर लोगों को पता चल जाता तो इससे आपकी मान मर्यादा, आपकी इज्जत प्रतिष्ठा सब मिट्टी में मिल जाते। आपकी प्रतिष्ठा और मान मर्यादा बचाना सिर्फ मां की जिम्मेदारी नहीं, मेरी जिम्मेदारी भी है। बताइए रंगनाथ जी, बताइए कि रामू कौन है, बताइए आपका और रामू का क्या रिश्ता है, ये बात सारे गांव के सामने अपने मुंह से बताइए, बताइए, बताइए कि आपका और रामू का क्या रिश्ता है। नहीं बेटी, रामू ने यह हक मुझसे छीन लिया और ये बात मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता बेटी। इसका मतलब इसका कोई नहीं है, ये अनाथ लड़का है, कोई इसकी जमानत नहीं दे सकता, ले चलो इसे। रुकिए, मैं हूँ। मैडम आप? मैं इनकी पत्नी हूँ, मैं इनकी पत्नी हूँ। ये क्या मेम साहब, आप ही ने तो मुझे जीना सिखाया है, आपने मुझे बोलना सिखाया, आप तो मेरे लिए एक देवता समान है और आप मेरी 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 सच कहूं तो मेरी नजरों में औरत की इज्जत करने वाला भगवान से भी बढ़कर है। लेकिन बिना मंगलसूत्र बांधे इनकी पत्नी क्यों नहीं हो सकती? ऐसे कितने मर्द हैं जो शादी के बाद अपनी पत्नी की रक्षा कर रहे हैं, पत्नी का साथ दे रहे हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी पत्नी को पूरा सम्मान देते हैं, उसकी हर तकलीफ में उसका साथ देते हैं। बताइए, एक मर्द अपनी पत्नी को आखिरी वक्त तक, यहाँ तक कि 7 जन्मों तक उसकी रक्षा और हिफाजत का वादा करे, उसी का नाम मंगलसूत्र है। मंगलसूत्र बांधने के बाद पत्नी को प्यार मोहब्बत दुलार और इज्जत देनी चाहिए। ऐसे कितने मर्द हैं जो अपना ये वादा पूरा करते हैं, है किसी के पास जवाब? हाँ, लेकिन रामू ने मंगलसूत्र बांधने से पहले ही मुझे ये सब कुछ दे दिया है।
उसने अपनी जान पर खेल के भी मेरी जान बचाई है। लेकिन इतने दिन मेरे साथ मेरे घर में रहने के बाद भी उसने मुझे बुरी नजरों से नहीं देखा। एक मर्द की तरह उसने मेरी रक्षा की है। और रामू जैसा आदमी मेरा पति है, इस बात का मुझे गर्व महसूस हो रहा है। रामू, जो मंगलसूत्र तुम मुझे भेंट करना चाहते थे वो तुम अपने हाथों से मेरे गले में बांधोगे? मैं उसे भी भेंट समझूंगी और उस भेंट के लिए मैं तुम्हारा वापस आने तक इंतजार करूंगी।